अंजित सर। हेलो रितिका मैम, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ सर, लेकिन लुकिंग वेरी टेंस। एक कॉमन क्वेरी बहुत आ रही है क्योंकि नाबार्ड का एग्जाम आ रहा है, तो स्टूडेंट्स आर रियली वरीड। एक क्वेरी है जो आपसे डिस्कस करनी है। व्हाट्स दैट मैम? सर, इट्स अबाउट द मेरिट एंड नॉन मेरिट सेक्शन। तो टाइमिंग कैसे मैनेज करें फॉर द प्रिपरेशन जो अभी बचे हुए दिन है उनमें? That sounds interesting. बहुत common query है. I have been attending to this query over a lot of emails. So देखिए इसमें I think if one is prepared fully for the merit section, तो they can devote say 40% of the time, remaining time to the non-merit section. उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए. But problem is when you are not prepared fully for the non-merit and the merit both, है ना? क्योंकि फिर ज़्यादा दिक्कत आएगी. So उस केस में देखिए, I am telling you the thumb rule, though this will differ from person to person. For merit section, I would say use 75% of your remaining time for the preparation of merit sections, and rest 25% would have to be used for the preparation of non-merit sections. तो ये thumb rule लेके चल सकते हैं। लेकिन sir, 25% of time, don't you think it's too less? कम नहीं पड़ेगा? I knew this would be coming as next question. 25% कम है, बिल्कुल कम है, but we shall try to understand the things in a context. 25% कम है टू डू द एंटायर प्रिपरेशन, सारे टॉपिक्स कवर करने के लिए. बट हु नीड्स दैट? हमें सिर्फ कुछ सेलेक्टिव टॉपिक्स करने हैं, बिकॉज दिस इज नॉन मैरिट सेक्शन, दिस इज जस्ट क्वालिफाइंग. तो मुझे सिर्फ कुछ सेलेक्टिव टॉपिक्स करने हैं, और उन्हीं सेलेक्टिव टॉपिक्स को कर आई कैन क्लियर द कट ऑफ. एंड इफ यू सी द प्रीवियस 3-4 ईयर्स कट ऑफ in each of these sections, the cutoffs have been near about 25%, 30%, जो कि मतलब पास मार्क्स समय जो 7th 8th में चाहिए होते हैं उससे भी कम है. पर सर, I think आप भूल गए हो English cutoff last year की. Oh yes, नहीं नहीं मैं भूला नहीं हूँ, मुझे बिल्कुल याद है. I was about to come to that in fact. देखिए पिछली बार English में cutoff गई है around 35-40% के बीच में, and this can happen to any of the sections this year also. But again कोई ऐसा difference नहीं है कि मैं 30 बोल रहा हूँ और वो 60 चली गई. So the point is कि अगर कोई section exam में easy है, आप उसमें थोड़ा ज्यादा attempt कर लें, but उसके लिए मुझे नहीं लगता कि आपको preparation में कोई बहुत ज्यादा time लगाना पड़ेगा. Again with that 25% of preparation, अगर questions easy हुए तो आप automatically ज्यादा attempt करके ज्यादा marks ले लेंगे. Again see, try to understand the point. हमें नॉन मेरिट में इतना प्रिपेयर करना है कि बस हम क्लियर कर लें या थोड़े ज्यादा मार्क्स लें, बट एवरी मिनट दैट आई एम स्पेंडिंग ऑन द प्रिपरेशन ऑफ नॉन मेरिट, इट विल कॉस्ट मी टाइम, इट विल कॉस्ट मी मार्क्स इन फैक्ट इन द मेरिट सेक्शन इन द एग्जाम. राइट राइट. तो आई रियली थिंक एक बहुत ही क्लियर गाइडलाइन मिल गई है अब स्टूडेंट्स को मेरिट नॉन मेरिट के बीच में कैसे बैलेंस करना है. तो सर एक लास्ट क्वेश्चन, Would you suggest कि यही टेक्निक they should use in attempting the paper also जब अटेम्प्ट कर रही हूँ, यही करें? नहीं नहीं मैम, वहाँ पे 75-25 would be too risky. I think that's a separate topic. We will make a different video on that if students want. तो आप हमें comment करके बता सकते हो if you want a separate video on that. And meanwhile, I think आपको ये video पसंद आएगा. एक confusion काफी अंचित सर ने clear किया है आपका. तो thank you and do let us know comment करके कैसा लगा आपको ये video. और गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए कि आई हैव गॉट क्लैरिटी अबाउट टाइम डिवीजन फॉर मेरिट एंड नॉन मेरिट सेक्शन, नाउ आई विल डोमिनेट नबार्ड 3-day फेस. थैंक यू, बाय.